मांगा सभी राज्यों से सहयोग। कहा यह अध्यक्षता पूरे देश की भारत की ताकत को प्रदर्शित करने का अनूठा अवसर। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, बोले G20 पर टीम वर्क की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को महाराष्ट्र और गोवा की यात्रा करेंगे। वह नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। नागपुर मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत करेंगे और गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल, भारी हंगामा। धार्मिक शोभा यात्रों को दंगों का मौका बताना गलत, SC ने बैन की मांग वाली NGO की याचिका खारिज। एलन मस्क का भारत में तभी स्वागत जब वो मेक इन इंडिया की सोचे, बोले नितिन गडकरी। सोनिया गांधी ने देखी बाग बागिन की अचखेलियां, रणथंभौर में मनाया 76वां जन्मदिन। कांग्रेस विधायक दल की बैठक समाप्त, CM पर सस्पेंस बरकरार, आलाकमान लेंगे अंतिम फैसला। खड़गे ने बताया कांग्रेस के फिर से ट्रैक पर आने का रोड मैप, गुजरात में हार पर बोले हम मायूस नहीं। राजस्थान के अनूपगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी, BSF ने दिया करारा जवाब, बॉर्डर इलाकों में अलर्ट। पायलट ने इशारों से साधा गहलोत पर निशाना, बोले गुजरात में नतीजे उम्मीद से बेहद कम। हिमाचल की जीत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज, CM योगी ने दी चेतावनी, बहन बेटी से छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे से पहले ढेर कर देगी पुलिस। कांग्रेस के 2 पार्षद आप में शामिल, दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भी छोड़ी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी के पास 136 पार्षद। मेसी के अर्जेंटीना ने 8 साल में दूसरी बार तोड़ा नीदरलैंड का सपना, सेमीफाइनल में बनाई जगह। पेनल्टी शूटआउट में क्रोएशिया ने ब्राजील को हराया, लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में बनाई जगह। मामल्लापुरम तट से टकराया मेंडूस, बारिश आंधी में गिरे कई पेड़, लोगों को घरों में रहने की हिदायत।